दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है गोविंद सोनी और आप देख रहे हो मारो आप चैनल टेक्निकल गोविंद। तो गाइस यार, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आकाश चोपड़ा की नई कमेंट्री और इसका गेम प्ले। बहुत ही ख़तरनाक एडिटिंग करके मैंने बनाया, तो वीडियो पे पूरा बने रहना, पूरा देखना, क्या मज़ा आ जाएगा। और इस वीडियो पे आप नए आए हो तो एक एक लाइक ठोक देना, RC19 के फैन हो तो। और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गो स्टार्टेड। जिस दिन का हम सबको था इंतजार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 460 दिन के बाद आमना सामना होगा इन दो दिग्गज टीमों का। भारतीय टीम ये आखिरी मंत्रणा, दो पाकिस्तानी ओपनर्स तैयार हैं, इमामुल हक साथ में फखर जमान। टॉस जीता है बल्लेबाजी का किया है फैसला। पहली गेंद, अरे लगा बाहरी किनारा, पकड़ा धोनी ने इमामुल हक। पहली विकेट भुवनेश्वर कुमार, पाकिस्तान 2/1। बाबर आजम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये गेंद ऊपर गई है, दूर नहीं, नीचे फील्डर, बाहर आजम। वाह भाई वाह, शकर जमान को यहां कर दिया भुवनेश्वर कुमार ने आउट। खाता ही नहीं खुला, 9 गेंदे खेली फखर जमान ने, 3/2 पाकिस्तान। शोएब मलिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बेहतर शॉट, खूबसूरत शॉट शोएब मलिक, ये बढ़िया शॉट है डाउन द ग्राउंड। बाबर का पहला चौका, ये भी आपको पीछे से जाके गेंद को उठा के लाना होगा। 2 गेंदे 2 चौके, बहुत ही बढ़िया शॉट 4 रन के लिए, खूबसूरत। ये यहां पे एक बड़ा शॉट और 6 रन मिलेंगे, बढ़िया शॉट मलिक का, खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया, पूरा लाइन ही मिस कर गए और एक बड़ी कामयाबी, जिस चीज की जरूरत थी इंडियन टीम को, मानो ये बड़ी विकेट, बड़ी मछली और बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये बड़े सुलझे हुए क्रिकेटर हैं, बहुत ही बढ़िया। सरफराज कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए और स्वीप ये पका कर आते हैं, इनका ये फेवरेट स्ट्रोक है। इन्होंने भी हवाई फायर किया है, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर और कमाल का कैच, वेल डन। पांड्या की जगह पांडे आए और पांडे जी का कमाल का कैच,